Is that it is for a long period of time. In the screen, you will be seeing Abraham, his name is also written, and as you know, Abraham, Jacob, my brother's son, and what is the character of climate? We see climate is the sum total of weather. Sum total mother average. Nikali bhi. Total, sum total. It is not just a small duration, long duration. Years mein banta hai climate.

कई बार बारिश होती ही नहीं है एक साल में हुई दो साल में हुई तीन साल में हुई तो आप वहां का क्लाइमेट बता रहे हैं अब वेदर क्या होता है वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वेदर जो होता है वो छोटा होता है ठीक है तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एब्रह इसका मतलब यह है कि उस समय अभी जैसे आपका प्लेजेंट वेदर है चाचा दैट इज वेदर अब एक और अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिया वॉट इज द डिफरेंस बिट्वीन वेदर एंड क्लाइमेट तो एक लाइन खींच के आंसर लिखना है और हम एक भी लिखेंगे कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन का है एक शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा क्लाइमेट छोटे ड्यूरेशन का होगा वेदर है ना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वेदर और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट क्लाइमेट इज समोटल एंड वेदर इज देन एंड दे भी हो सोचता है कि एक जगह बहुत वेदर बहुत अच्छा उस समय मगर क्लाइमेटिकली स्पीकिंग बहुत हार्ड क्लाइमेट की जगह हो क्योंकि वेदर छोटी ड्यूरेशन का होता है अब हमने एक क्वेश्चन कर लिया जो तीन मार्क्स का एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आपने अगर एक बार ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो आपको कोई भी स्कूल में कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता अभी हो अब ये क्वेश्चन थ्री मार्क्स का आता है तो एक हो गया टेम्परेचर एक हो गया एटमोसफेरिक प्रेशर और एक हो गया विंड एक हो गया ह्यूमिडिटी और एक हो गया प्रेसिपिटेशन तो अगर आप इनको गिनो तो टेम्परेचर गर्मी हो गई एटमोस्फेरिक प्रेशर एयर का जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है हायर लेटीट्यूड्स पे जाते हैं तो कम हो जाता है लोअर लेटीट्यूड्स पे ज्यादा हो जाता है विंड हवा जो चल रही है ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कितना एयर में ह्यूमिडिटी ठीक है एंड प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन मतलब कितनी बारिश हो रही है तो हमारा दो क्वेश्चन हो गया uh, पहला क्वेश्चन हुआ था वॉट इज क्लाइमेट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेदर या डिस्टिंग क्लाइमेट एंड वेदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट और वेदर एंड क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स से होता है टेम्परेचर एटमोसफियर प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी है ना एंड प्रेसिपिटेशन तो सिक्स है तो आधा आधा नंबर का एक क्वेश्चन होगा अब उसके बाद एक और जो हमें इनको बेसिकली समझना चाहिए वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल मंथ मंथली एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन ईयर इज डिवाइडेड इनटू विंटर समर एंड रेनी सीजंस तो आप देखिए हमारे जो सीजंस हैं वो चार होते हैं ज्यादातर ठीक है और उनमें से uh, तीन उसने यहाँ पर डिस्कस कर दिए वेदर एक एक तो गया विंटर जिसको हम सर्दियां है ना समर गर्मियां एंड रेनी सीजन बारिश वाला सीजन अब क्लाइमेट वर्ड जो है ये देखो ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन आ गई वॉट इज एक क्वेश्चन आता है वॉट इज मानसून ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वॉट इज मानसून मानसून इज एन अरेबिक वर्ड क्या वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है जो कहां से आया है मौसम ठीक है वो आया है मौसम से और मौसम का मतलब होता है सीजन समझ में तो ये आपका आ गया सीजन तो व्हाट इज द मौसम मॉनसून मॉनसून इज एन अरेबिक वर्ड विच मींस सीजन तो मौसम मौसम जो अरब के लोग थे वो कैसा मौसम है उस वर्ड से आता था मॉनसून ठीक है और मॉनसून इज अ मेक का करैक्टर क्या है कि इसके अंदर सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है ये एक ऐसा वो होता है जिसमें सीजनल seasonal... रिवर्सल ऑफ विंड विंड मतलब wind जो है अपना डायरेक्शन जरूर चेंज करती है अब ये आप नोटिस करोगे आपके स्क्रीन के ऊपर यही यही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको दे दिए ठीक है थीके? अब वो कहता है इंडिया का क्लाइमेट जो है हाउ इज इट डिस्क्राइब तो कहता है इंडिया क्लाइमेट इफ आई कैन

टेम्परेचर राजस्थान में बहुत ज्यादा हो जाता है ऑन दी अदर हैंड जम्मू कश्मीर में हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर इज नॉट दैट हाई सो वन करेक्टर दैट इन राजस्थान टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई वेर एज इन जम्मू कश्मीर द टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो फिफ्टी डिग्री सेल्सियस इन राजस्थान टू जम्मू कश्मीर इट इज इन पहलगाम इट इज यू कैन हैव ऑलरेडी नोटिस ऑन दी सो दिस इज हाउ टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू राजस्थान अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अब मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं ये देखिए वाई एम एजिंग द कलर ताकि आपको पता लग जाए कि दिस इज अदर पॉइंट नाउ एब्राम यू मे नॉट बी एबल टू मार्केट जस्ट नाउ बट वॉट विल है नेट देन यू कैन मार्क योर बुक तो आई प्रोमिस यू कि इससे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएंगे आ, कोई भी स्कूल हो क्वेश्चन यही आएंगे तो एक अगर क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट में एक कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है राजस्थान से जम्मू कश्मीर और दूसरा आ रहा है विंटर टेम्परेचर जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर और त्रिवेंतापुरम का टेम्परेचर इन दोनों को हम कंपेयर करा दो दो टेम्परेचर का डिफरेंसेस हमने देखे उसके बाद वो कह करा है इन थार द डे टेम्परेचर में राइज टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप डाउन तो वहां पर डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है सुबह सुबह तो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा और रात को पंद्रह डिग्री माइनस में पहुंच जाएगा सॉरी नॉट माइनस नियरली फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस तो फिफ्टीन मतलब काफी ठंडा इस समय जो डेली का टेम्परेचर है इट इज ट्वेंटी सेवन सो यू कैन इमेजिन दिस मस्ट बी वेरी वेरी कोल्ड क्लाइमेट

अगर आप देखें एनुअल प्रेसिपिटेशन इंडिया में वेरी करती है मेघालय में होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है आप ये देख लीजिए ये मैंने हाईलाइट कर दी और कहाँ पर मेघालय में 400 और लद्दाख रीजन में 10 सेंटीमीटर और मोस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल इन जम्मू के अब वो कह रहा है कि कुछ जगहों में जून में हो रही है तमिलनाडु में अक्टूबर में हो रही है, है ना तो रेनफॉल का एरिया भी टाइम भी चेंज हो रहा है तमिलनाडु में थोड़ी सी रिट्रीटिंग मॉनसून होती हैं तो ये हमने एक डिफरेंस देखा तो हमने चार डिफरेंसेस पूछ लेते हैं वो कहता है इन फॉर्म अपर तो कंट्री अगर हम देखेंगे तो हर जगह पे तो होती है क्या होती है आप देखो तो होती है स्नोफॉल हाँ स्नोफॉल होती है माउंट हिमालय में और रेनफॉल होती है सारे कंट्री में बहुत अच्छा आपने जवाब दिया वेरी गुड तो हम क्या देखते हैं कि अब इन सारे को तो अब भी अगर हमारा क्वेश्चन आएगा कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट तो यहां पर हाँ जस्ट नाउ वी कि राजस्थान को वी ट्राइंग टू से राजस्थान और जम्मू कश्मीर को हमने कंपेयर किया था तो द सेम थिंग इफ यू ट्राई टू सी तो ये आपका जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में ये बात कर रहा है कि जम्मू कश्मीर अराउंड पहलगाम तो मतलब यहां के एरिया को उसने कंपेयर किया राजस्थान से एक जम्मू कश्मीर और राजस्थान के साथ किया गया स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो सपोज है ना और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं yes. हाँ दूसरा जो है जम्मू कश्मीर में वो कह रहा है माइनस होता है इस जम्मू ही कश्मीर को ये जम्मू कश्मीर उस जमाने में पूरा एक पूरा स्टेट थी तो उस समय लेह वगैरह इन एरियाज को भी वो जम्मू कश्मीर कह रहा है उस हिसाब से ठीक है तो यहाँ से उसने कंपेयर किया कि यहाँ पर आप देखो इतना ज्यादा ठंडा होता है और इन द्रास इन जम्मू कश्मीर द टेम्परेचर इन जम्मू कश्मीर में बी माइनस फोर्टी फाइव एंथ्रीवेंथापुरम यहाँ पर आ गया ये रातिवेंथापुरम दिख रहा होगा आपको तो त्रिवेंतापुरम और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करिए तो आप देखेंगे एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है अभी पहला कॉन्ट्रास्ट हमने राजस्थान और जम्मू कश्मीर का किया जिसमें हमने देखा एक रात के अंदर कितना कॉन्ट्रास्ट है फिर हमने किया एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर जिसमें हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में माइनस फोर्टी फाइव चला जाता है है ना और त्रिवेंतापुरम में ट्वेंटी टू होता है ये जम्मू कश्मीर एंड त्रिवेंतापुरम मैं त्रिवें� इसको पूरा एक मान के करूंगा क्योंकि ये जो वो है वो ले लद्दाख लद्दाख अलग नहीं था उस समय ठीक है तो इसीलिए वो उसे जम्मू कश्मीर बोल रहा है उस समय नहीं तो अब वो लेह और लद्दाख बोलेगा अब यहां से अगर हम आगे देखें वो कह रहा है इन थार यहाँ पर जो डेजर्ट है इसका नाम है थार डेजर्ट ठीक है और जो थार डेजर्ट है उसका करेक्टर क्या है कि थार डेजर्ट को हमको कंपेयर करना है कि थार डेजर्ट में यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है सुबह और 15 हो जाता है माइनस आ, एकदम रात को जाता है थार को हम नोटिस करें तो माइनस फिफ्टीन पहुंच जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है जो गर्मी को रिटेन करे तो अगर आप राजस्थान में जाओ तो सुबह सुबह बहुत ठंडा होता है मगर जब गर्मी बढ़ने लगती है तो आपको किसी स्वेटर की जरूरत नहीं है अब वो कहता है प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन में अभी जैसे आप कह रहे थे कि ये जो एरिया है ये सारे के सारे एरिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत अच्छे माउंटेन्स हुए हैं सॉरी माउंटेन्स हैं और उन माउंटेन्स पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरी होती है ठीक है तो माउंटेन्स पर अच्छी बर्फ पाई जाती है और पूरे इंडिया में क्या होती है इस पूरे के पूरे के इंडिया में होती है आपके है, है तो रेनफॉल तो आप बट बार -बार दो चार बार रिपीट करना आपको अपने आप याद हो जाएगा एनुअल प्रेसिपिटेशन वो है मेघालय आप यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश मणिपुर है ना मिजोरम है ना मेघालय ये आपका मेघालय आपको दिख गया होगा बांग्लादेश इंडिया से बाहर है और उसके ऊपर मेघालय लिखा है वो कह रहे हैं मेघालय तो कंपेयर कर रहा है और वो क्या कह, कह रहे हैं कि मेघालय हैज 400 सेंटीमीटर और इसको उसने कंपेयर किया ले लद्दाख से मतलब यहां से यहां से आप ऐसा कर सकते हैं कि एरो बना सकते हैं तो जो एरो है वो आपको बहुत अच्छा समझा देगा है ना मैं भी वो एरो बना सकता हूँ कैसे बनाऊंगा ये देखिए ये कोशिश करता हूँ ये देखिए लेह लद्दाख से मेघालय के बीच में एरो बन गया है ना जम्मू कश्मीर से केरला के बीच में एरो बन गया है ना और कंट्रास्ट एक ये भी देखा था एक और कंट्रास्ट देखा था कि समर में राजस्थान को उसने फिर जम्मू कश्मीर से कंपेयर किया था तो ये तीसरा कंट्रास्ट हो गया फिर उसने कहा पूरे वर्ल्ड में रेनफॉल होती है और हिमालयाज के रीजन में उधर तो नेपाल है वो बाहर है तो मैंने वहां पर एक एरो इंडिया के पार्ट में मैंने एरो तो जो इसमें भी एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट एग्जिस्ट करता है तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है तो अगर हम देखें तो अगर हम आ, सोचें कि पहला कॉन्ट्रास्ट मैं हटाता जाऊंगा और रिपीट करता जाऊंगा ठीक है ये लेह और लद्दाख का जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हम आ, हमने देखा यहां पर Uh, किसके अंदर है रेनफॉल का मेघालय में अगर आपको मौसम तो सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है है ना तो ये भी हमारा हो गया और फिर उसने कहा कि जगह पे यहाँ पर रेनफॉल हो रही है ज्यादा रेनफॉल होती है ऑन हैंड यहाँ पर रेनफॉल जैसे ये विंडवर्ड साइड है तो इस पे बहुत ज्यादा रेनफॉल फॉल होती है और इस साइड पे क्योंकि यहाँ का फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं तो वो कह रहा है कि रेनफॉल कैसी हो रही है बिल्कुल यहाँ देखो तो वो कह रहा है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल इन जून एंड सेप्टेम्बर बट तमिलनाडु ये इसको आती है रिट्रीटिंग मानसून यहाँ पर आके यूं तो वो जो है आती है, है कब आती है वो आती है आपके रिट्रीटिंग मानसून मतलब ओ एन अक्टूबर एंड नवम्बर में आती है और वाले जो वो उसमें आती है

विंडवर्ड साइड वो साइड जहां पर बहुत तेजी से बारिश होती है और लीवर्ड साइड वो साइड जहां पर बारिश नहीं हो पाती समझ में तो अगर हम देखें आ, तो अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हो रहा है तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करती है इतनी मोटी नहीं है मगर उस और इतनी दूर भी नहीं है मगर हाँ उसके होने से जब भी रेनफॉल आती है तो वो उस माउंटेन से टकरा जाती है तो विंडवर्ड साइड पर हो जाती है और ये सारा एरिया लीवर्ड साइड बन जाती है मतलब रेन शेडो एरिया बन जाता है ठीक है तो उस रेन शेडो एरिया में तमिलनाडु की बारिश होती है जब तो है ना तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि हाउ इज इंडिया कंट्री ऑफ क्लाइमेटिक कॉन्ट्रास्ट ये पांच नंबर का क्वेश्चन आ सकता है या नाउ वी विल बी डूइंग द सिक्स मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल तो अगर हम देखें सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाई आर द हाउसेज इन राजस्थान है थिक वॉल्स एंड फ्लैट रूफ्स राजस्थान में बारिश तो होती नहीं है तो वो क्या करते हैं अपना जो घर बनाते हैं उसको थिक वॉल्स का बनाते हैं ताकि गर्मी ना आए और फ्लैट रूफ्स ताकि उसका पानी जो है वो जमा होकर ले जो छतों पर गिरे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग में यूज किया जा सके रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है पानी को जमीन के नीचे जमा कर लेते हैं और वो जो पानी है रात जब पूरे साल उसको यूज कर सकते हैं पीने के लिए क्योंकि वहां पर पानी इतना कम हुआ करता था पास में है न अब वो करे

ये तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आसाम के जो घर हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे लकड़ियों पे क्यों बनाते हैं आपने अगर देखा हो कुछ मूवीज वगैरह में भी आपने घर देखोगे जो तो क्या होता है कि वो इसलिए ऐसे बनाए जाते हैं घर ताकि नीचे से पानी निकल जाए कोई कीड़ा काड़ा हो तो वो बाहर ही रहे अगर वहां पर फ्लड आता है तो फ्लड उस जगह को ना टच कर पाए घर को तो ऊंची ऊंचा बनाया जाता है लकड़ी पे समझ में आया क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी इतना नहीं होता मगर वहाँ पर नदियों में पानी तेज ऊँचाता है तो वो जितना तक ऊंचा होता है थोड़ा पानी ऊंचा तो वो उतने ऊंचे से ऊपर ही बनाते है अपने घर तो लकड़ियों पे बना लेते हैं हैं या पिलर्स पे बना लेते हैं ताकि वो ऊंचा रहे तो उसको हम कहते हैं स्टिल्स और गोवा और मैंगलोर में हमने देखा कि स्लोप स्लानटिंग इसलिए थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने देखा कि पानी जो था वो अगर छत पर रहेगा तो छत खराब कर देगा तो इसलिए स्लान्ट बनाया जाता था अब होता है क्लाइमेटिक कंट्रोल वो कहता है देर आर सिक्स मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स तो ये आप देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ये अगेन फाइव मार्क्स का आपका क्वेश्चन है कि ये तीन आपके तीन मार्क्स के हो तीन मार्क्स का मतलब एक एक क्वेश्चन तीन मार्क्स का सकता है ये जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आजकल हॉट क्वेश्चन कहा जाता है अब अगर क्वेश्चन आए वॉट आर द मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स तो ज्यादातर टीचर आपको ये क्वेश्चन देगा पांच मार्क्स का क्यों क्योंकि पांच मार्क्स का ही क्वेश्चन ज्योग्राफी में आता है ठीक है तो वो कह रहा है ड्यू टू करवेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव वेरी अकॉर्डिंग टू द लेटीट्यूड लैटिट्यूड क्या है अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि सबसे पहले जो चीज हमें समझनी है वो ये समझनी है कि व्हाट इज लैटिट्यूड व्हाट इज लेटिट्यूडीट्यूड इज एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम ठीक है जैसे ही तुम्हें समझ में आएगा यू कैन गिव ये वॉइस आई एम नॉट लेटिंग यू स्पीक बिकॉज यू आर सेटिंग सो फार अब्राम इज इन गुड़गांव एंड आई एम इन सरस्वती विहार एंड अ lot ऑफ वाइब्रेशन Or I would have made you hear her, his voice. He has got a very good voice. He speaks so well. The whole objective of making this video with him was that be because of noise uh, pollution that is coming, we are not able to incorporate his melodious voice. Achha. As one goes from uh, one surface of the earth to higher altitude, the एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड द टेंपरेचर डिक्रीजेस तो हम जितना ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर क्या हो जाता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है तो ये देखो ये एक पॉइंट होगा लैटिट्यूड मतलब लैटिट्यूड उसके बाद हो गया ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड मतलब माउंटेन्स पे जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ठंडा होता जाएगा ठीक है ये सर हां प्रेशर एंड विंड ऑफ अ एरिया डिपेंड्स अपॉन लेटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस तो जय वहाँ का प्रेशर है वो जो है ना वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है यह हमारा देखो थर्ड कलर हमने यूज कर लिया प्रेशर एंड फिर उसने बोला कि प्रेशर ऑन विंड्स विंड्स का जो चलना है वो ऑल्टीट्यूड और लैटीट्यूड पर पे, पे वो करता है और ये आपके अब वो कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द सी जितना दूर हम सी से चले जाएंगे उतना हम क्या देखेंगे कि वो भी इंफ्लुएंस करेगा आपके आ, वेदर को अगर हम देखें तो यहाँ अगला हर बार मैं अलग अलग कलर यूज करूँ आपको पॉइंट्स दिखते जा रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट ऑल्टीट्यूड थर्ड प्रेशर एंड विंड्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी अगर हम समुंदर के पास जाएंगे तो हमारे पास मॉडरेट क्लाइमेट होगा हम समुंदर से दूर चल जाएंगे तो हमारे पास एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा और ओशन करंट अबाट इज ओशन करंट ओशन करंट जो होता ना वो कह रहा है कि ओशन करंट्स अगर हम देखें तो अगेन वी विल ड एंड वॉट इज इट सेज की समुद्र के अंदर ना पानी चल रहा होता है नदियां चल रही होती है वॉट इज एन ओशन करंट ओशन करंट इज ए रिवर ऑफ वॉटर फ्लोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ दी वॉट इज एन ओशन करंट ओशन करंट इज रिवर ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ दी मतलब समुद्र के ऊपर एक नदी बह रही है बड़ी अजीब सी बात है कि एक नदी बह रही होती है ये बाइबल में भी लिखा हुआ है जो फादर ऑफ ओशनोग्राफी था वो उसने ये चीज़ को डिस्कवर किया कि भैया हाँ नदियाँ बहती हैं उनको कोल्ड करेंट्स एंड वार्म कहते हैं वो अभी आपके स्कोप में नहीं है इलेवेंथ ट्वेल्थ के बुक्स में आता है मगर हाँ आप ये समझ लीजिए कि एक नदी रही है जो गर्म पानी होगा वो गर्म गर्मी को लेकर आएगा है ना तो अब हमारा फाइनली रिलीफ रिलीफ मतलब एक माउंटेन जो ना वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अब हम इस चीज़ को समझते हैं ये आपका लिए मेरा सबसे फेवरेट है फ्लोरिसेंट कलर आपको अपनी बुक को मार्क करना है साइड बाय साइड बाद में जब आप इस वीडियो को देखेंगे एंड यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो सो दैट दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड है ना तो वो कह रहा है कि रिलीफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट जैसे माउंटेन होगा जैसे हाई माउंटेन्स अब हाई माउंटेन्स को हम देख लेते हैं कि वो कह रहा है कि हाई माउंटेन्स जो है वो हवा को रोक देते हैं जैसे हिमालयस को अगर आप देखो तो वो बैरियर है चाइना की ठंडी हवा कैन नॉट कम टू अस ठीक है और रेन बेरिंग विल्स और लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन डाय तो विंडवर्ड साइड पे तो बारिश हो जाती है जिस साइड पे बारिश नहीं होती उसको लीवर्ड साइड कहते हैं और वो जो होती है वो ड्राई रहती है तो अगर मैं देखो कॉन्ट्रास्ट बताना होता है एवराम तो मैं क्या करता हूँ ये दोनों कलर एक साथ यूज करता हूँ एक ही टॉपिक में जब मुझे अलग अलग पॉइंट्स बताने होते हैं तो मैं अलग अलग कलर्स यूज करता हूं ठीक है तो जब भी आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड के और आई आई विल विल व्हाट डू कि इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको भी इसमें लिख दूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और तो आप आराम से इसे कर पाएंगे वैसे तो अगर कोई भी इसको देखेगा तो ये बनाया ही ऑब्जेक्टिव टाइप में बनाया कि किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं अब आता है नेक्स्ट फैक्टर फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट तो अगर हम देखें तो अभी तक हमने किया था कि व्हाट आर द टॉपिक था हमारा कि uh, ये था क्लाइमेटिक कंट्रोल्स अब क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिया क्लाइमेट तो अब इसको हम ऑरेंज करेंगे मेन हाइलाइटिंग को मैं हर बार सबसे डार्केस्ट कलर यूज करता हूँ पिंक की, की है हमारे पास तो एक तो है लेटिट्यूड अब लैटीट्यूड के हिसाब से उसने पहले बोला कि व्हाट इज अ लेटिट्यूड फिर उसने बोला ऑल्टीट्यूड Altitude बोला जाता है इसे altitude भी बोलते हैं altitude, और उसके बाद हम क्या देखते हैं तीसरा pressure and winds, वो हमने यहाँ मतलब यह पर उसने किस हिसाब से बताया था मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स तो पांच नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है ऑल्टीट्यूड प्रेशर एंड रिलीफ और यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऑल्टीट्यूड है ना और फिर हमारे को क्या मिलेगा सेकेंड पॉइंट ऑल्टीट्यूड तीसरा प्रेशन एंड विंड्स नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हाँ ये तीन मेजर उसने पॉइंट्स बताए यहाँ पर तो सबसे पहले हम देखते हैं all, तो अगर आप, आप एब्राम से क्वेश्चन है और एब्राम ये काफी टफ क्वेश्चन है हो सकता है एब्राम ना है बट डोंट वरी हो सकता है बच्चा है आ, तुम बताते हो सबसे सबसे बड़ा लेटिट्यूड कौन सा है

है ना तो अब एक आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो है ट्रॉपिक ऑफ तो नहीं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर होता है अब क्या होता है आ, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है बहुत डीप बात है कि अर्थ का एंगल क्या है अर्थ का अगर आप जवाब नहीं दोगे तो उसका मतलब मैं जवाब देना है नहीं आता तो नो प्रॉब्लम हाँ अर्थ का एंगल ट्राई कर सकता हूँ वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मजे आ गए अच्छा उधर ट्राई कर लिया गलत भी होता तो क्या प्रॉब्लम थी मतलब, पड़ मतलब तो हाँ, तो तो है। है तो रही होगी रेज तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन नहीं पड़ सकती तो क्या होता है कि सन की रेज या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेगी या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ेगी मगर उसके ज्यादा स्ट्रेटवेज कहीं नहीं पड़ेंगे तो वो वाला एरिया सबसे गर्म होता है ट्रॉपिकल रीजन तो इंडिया जो है ट्रॉपिकल कंट्री है तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी हो जाती है इसके लिए मैं आपको एक फोटो अगर मैं ऐड कर पाऊं तो बहुत ही अच्छा होगा उसके बाद ऑल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड के हिसाब से आप देखो तो अगर आप देखो हिमालयाज जो है वो जो है बहुत ही ज्यादा ऊंचा है है ना अब इसको हम हाईलाइट कर देते हैं हिमालयाज बहुत ऊंचा है और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ए, और दूसरा क्या कर रहा है कि कुछ जगह उनकी हाइट बहुत कम होती है तो ऑल्टीट्यूड बहुत इन्फ्लुएंस करता है आप देखो एवरेज हाइट हिमालय की जब वो हाई हाइट की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो हाई हाइट की बात कर रहा है तो, तो हिमालय की बात कर रहा है है ना हिमालय प्रिवेंट कोल्ड विंड्स क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है इसके हमारे तो प्रेशर एंड विंड्स प्रेशर एंड विंड्स में तीन पॉइंट्स आते हैं आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिया आई एम सो हैप्पी

लोएस्ट तो होगा uh. तो हाईएस्ट कौन सा होगा पोल वेरी गुड तो जीरो डिग्री से नाइन्टी डिग्री तक नॉर्थ जीरो डिग्री से ट्वेंटी डिग्री तक साउथ है ना तो सबसे ज्यादा गर्मी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में पाई जाती है ये भी हमें समझ में आ गया ऑल्टीट्यूड मतलब कितना ऊंचा है जैसे एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट किली मंजारो वो बुक में नहीं लिखा मगर माउंट किली मंजारो पे बर्फ गिरती है वो वॉल्कैनिक माउंटेन है अफ्रीका में इक्वेटर के पास मगर हाइट इतनी ऊंची है कि बर्फ़ गिरती है उसके ऊपर जबकि इक्वेटर इतना गर्म है क्यों क्योंकि ऑल्टीट्यूड उसका ऊंचा हो जाता है और यहाँ पर उसने ऑल्टीट्यूड का क्या एग्जाम्पल दिया है कि अगर ऑल्टीट्यूड ज़्यादा हो तो हवाओं का डायरेक्शन भी चेंज कर देता है हिमालय में वो माइट है कि वो हवाओं का डायरेक्शन चेंज कर देता है चाइना की ठंड गर्म गर्म हवाएँ हमारे पास नहीं आ पाती बिकॉज ऑफ ऑल्टीट्यूड

पहला पॉइंट जो बोल रहा है प्रेशर विंड्स में नेक्स्ट पेज पे आप देखो मैं आपको सारा पॉइंट्स को नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर के हिसाब से उसको मैं समझाऊंगा वो कहता है जो विंड होती है ना सबसे पहले वो बोला कि इंडिया जो है ना वो लाए करता है नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स इंडिया में आती हैं और वो जो विंड्स हैं वो उसके बारे में उसने बताया कि वो जो ना वो इन्फ्लुएंस होती है कोरलेस फोर्स से तो सबसे पहले हमारे को बताना होगा कि कोरलेस फोर्स क्या है एक आदमी था है? उसने डिस्कवर किया कि यार विंड्स वो अपना है, और उस आदमी का नाम था कोरलेस उसने कहा विंड जो है ना नदरन विंडस्फेयर में टुवर्ड्स मूव कर वो कहता है राइट इन द नदरन हेमिसफेयर मूव कर जाती है और टुवर्ड्स द लेफ्ट मूव कर जाती है सदरन हेमिसफेयर में दिस इज uh, इसको प्रूव किया किसने फेरल ने एक मैथमेटिशियन ने प्रूफ भी कर दिया तो जब उसने प्रूफ किया फैरेल ने तो ये फैरेल की लॉ बन गई और बुला किसने था सबसे पहले कोरलिस ने तो कोरलिस फोर्स बन गई सारी कहानी है बेटा अर्थ रोटेट कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट ठीक है ना अगर अर्थ रोटेट कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट तो जो विंड्स हैं वो उसके ऊपर गोल 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 घूम जाती हैं अब वो मूव करना चाहती हैं इक्वेटर से की तरफ विंड्स अब मगर जब वो विंड मूव कर रही होती है तो अर्थ रोटेट कर जाता है नीचे से अब विंड्स जाते हैं वो तो चिपकी भी नहीं है उसके ऊपर उतनी अच्छी तरीके से तो वो क्या होती है वो मूव कर जाता है अर्थ और विंड्स डायरेक्शन ऐसे स्लोप कर जाती है स्लंटिंग ठीक है और ये चीज के लिए मैं आपको भी एक फोटो से अगर मैं समझाता हूं तो बेस्ट होगा कि ये कैसे होता है वाटर कोरलेस फोर्स है ना तो